कर्म कमा
शरीरा जो तू जग जिन हर तेरा रचन रचिया जिन हर तेरा रचन रचिया मनना सा जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन नाम सा क्या तुद कदम कमा क्या तुद कदम कमा
जिन सतगुर चित क्या तुत कर कमाया क्या तुत कर कर्म ऊपर निपड़े
पर निबड़े झेलो छे सबको कर्मी आपो अपनी क्या तुद कर्म कमाया हैरानगी दी गल गुरु अमरदास पातशाह जी का शब्द जिसका आरंभ पहला सवालिया फिक्र है गुरबाणी में समझना है ते डीपली समझना है तद कुछ मिलता है। गुरबाणी एक सागर है समुंदर है ते समुंदर विच जिन्नी डूंगी टुब्बी लाओ उन्ने कीमती पदार्थ मिलते रत्ना रतन पदार्थ बहुत सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तीन हाथ चढ़िया राम। इसलिए सानू बहुत कुछ सोचना पैंदा सिर्फ आखरी अर्थ नहीं। हुण पहली लाइन इस पौड़ी दी आनंद साहब दी पौड़ी है पहली लाइन एक सवालिया फिक्र है ओए कि ए शरीरा मेरिया तेरे ते सवाल है ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कि क्या तुझ कर्म कमाया पर इसे ही शब्द इसे ही पौड़ी विच आखरी लफज उस सवाल का जवाब ने वो कहंदे ने कहे नानक ए शरीर प्रवान होवा जिन सतगुरु से चित लाया। सवाल जवाब मैं अर्ज करा पिछले हफ्ते बाबा कबीर जी दी बाणी दा 17-18 साल बाद भोग पिया ते आखरी श्लोक साडे सामने आया सी जिहड़ियां लाइना बेशक दो ही सन पर ओहो ही गल के बो सागर भरिया राम बड़ी विशालता सी उन्हां दो लाइना विच ते मैं पिछली बार अर्ज कीती सी दिल करदा है लगातार बाकी दा कुछ समा जिन्ना चिर नवीं लड़ी नहीं शुरू कर दे उन्नी देर असीं इसे शब्द नूं उस आखरी श्लोक नूं आधार बना के उन्दे वक् वक् पहलुआं ते उन्दे चुगिरदे साडा बहुत सारा समा बीत सकता है क्योंकि उन्दे च दो लाइनां विच ही इन्नी विशालता है। पहली लाइन से जो ग्रह कबीर जो ग्रह ता धर्म कर पहली लाइन से कबीर जी दे श्लोकां दी आखरी दो लाइन जो ग्रह ता धर्म कर नहीं तो कर बैराग बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग
सुचित्र किसे राह विच कदम टिकाण तो पहला जिस राह पै रहा है उस राह दे खतरिया उस दिया मुश्किलां ओ भी जान ले। इसलिए ए ना होवे के करम तो औखा होके अपना का मारिया घर ते नस्ता मखटू होके कान बड़ाए पिछली बारे लफंगाए बैरागी तो हो जाए पर बैरागी दे रस्ते पैन लगे हुए देखी मुश्किलां उत्थे भी ने। इसलिए अगली लाइन विच कह दिता कहन लगे जो ग्रहे तो धर्म कर नहीं तो कर बैराग पर उन्दे विच की मुश्किल है बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग। ये वैरागी होके वैरागी बन के वैरागी हो ना सक्यो तो तेरे वर्गा मद भागा कोई नहीं बड़ा अभागी होवेगा ताको बड़ो अभाग बड़ा बदकिस्मत होवेगा क्योंकि एक रस्ता एक छड़ के दूजा चुनिया उन्दे विच सफल नहीं होया मंजिल नहीं मिली। लाइना दो ही सन मेरे लिए एक दरवाजा खुल गया है दे अंदर वेखा बहुत कुछ है। लाइन फिर दोबारा दोहरा दिया क्योंकि उसे नु आधार लैके मैं हुण अग्गे चल रहा। लाइन सन जो ग्रहे तां धर्म कर नहीं तां कर बैराग बैरागी बंधन करे तांको बड़ो अभाग। ते उस दी विचार ऐसी भी ग्रह ते नाल धर्म दा की संबंध है इंदा मतलब ग्रह वाले नू धर्म दी लोड़ है जे नहीं धर्म कर सकदा तां वैरागी हो जाए इंदा मतलब उत्थे उत्थे धर्म दी लोड़ नहीं तो सोचना पएगा। लाइन इको है जो ग्रह ता धर्म कर नहीं ता जे नहीं कर सकदा ता कर वैराग वैरागी हो जाए इंदा मतलब धर्म दी वैरागी नू ओनी लोड़ नहीं जिन्नी ग्रही नू गृहस्थी नू है। लो एथों अपना प्रकरण शुरू होया क्योंकि गृहस्थी ने कर्म करना है उन्दे लिए कर्म मजबूरी है वैरागी लिए कर्मा दा संग्रह बड़ा संखेप है ते ओ भी कोई जरूरी नहीं क्योंकि ना उन्हें किरत करनी है ना उन्हें ब्याह कराया है ना उन्हें घर दा मकान बनाना है ना उन्हें बच्चियां नू पालना है ना कुछ भी नहीं जिम्मेवारियां तो भजे है। इसलिए जिन्हें गृहस्थी होना है उन्हें हर कदम ते कर्म करना है हुण कर्म दा साधन भी चाहिए है। हुण मैं अज दे लफ़ज़ नूं नाल लैके अगे तुरना चाहना अज दे शब्द जिन्हें कर्म करना है उन्हें कर्म दे साधन भी चाहिए है। मेरे रब ने मेरे प्रभु ने इसे लई दुनिया दी हर एक जून नूं हर वस्तु नूं ग्रस्ती बनाया है। लो एथे भी रुकना चाहिए योगी नहीं बनाया पंछी ले लो वो भी ग्रस्ती ये ना होने तो पंछी तो पंछी किवें पैदा हो गए। इवन छोटा जिहा किरम है कीड़ा है वो भी अंडे दिंदा है वो भी रोटी कमाउंदा है सवेर नूं निकलदा दाना दाना चुगदा है कर्म है। दुनिया का कोई जीव ऐसा नहीं जेड़ा जीव ग्रस्ती ना होवे। लो ते फिर वैरागी किवें हो गया
ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ। ਜੀਵ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਸੱਪ ਆਦਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਸਵੇਰ ਹਲ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਹਲ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਗ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਗੇ, ਹਲ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਚੋਗ ਚੁਗਣਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਚੱਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਲਫਜ਼ ਆਏ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਤ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮ ਲਈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਕਰਮ ਧਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀਉ ਪਾਏ ਤਨ ਸਾਜਿਆ, ਸਰੀਰ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਬਣਤ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਜੋ ਬੋਵੇ ਸੋ ਖਾਤ, ਆ ਜੋ ਬੋਵੇ ਸੋ ਖਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਹੀ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਲੱਖ ਬਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਣ ਜੱਟ, ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ, ਨਿਯਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਕਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਕਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੈ ਤਿਹਾ ਕੋ ਖਾਏ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਵੱਢ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਵਿਸ ਖਾਧੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
तत्काल उस वक्त मर जाएगा। जे तू आखे भी अमृत का कम मैं जहर को लै लव तू बिल्कुल नहीं लै सकता, नियम है वो, नियम ही तो धर्म है। धर्म का करिए अर्थ की है, नियम। वो नियम जिहड़ा हर एक जीवन ते लागू हुंदा है, जदों गृहस्थी हो जाता है उनदे ते नियम लागू हो जाते हैं। उन्हूं कहिंदे ने जिम्मेवारियां, उन्हूं कहिंदे ने मर्यादा। इसे दा नां धर्म है। ते गुरु कहिंदे ने ओ करम जिहड़ा है उस गृहस्थी नूं मिलिया है, क्योंकि उन्हें बच्चों नूं जे जन्म देना है तो उन्हें घर भी बनाउणा है। बैरागी नूं की लोग है घर, तो वह तो दरख्तां दे थले रही जांदा है। उदासी उन्हूं की लोड़ है किसानी करन दी, वह तो मंग के खाई जांदा। उन्हूं दुकानदारी जां जॉब करन दी की लोड़ है? कोई कर्म नहीं उन्दे ले उन्दे ते लागू हुंदा गृहस्थी ते। जिन्हें गृहस्थी होना उन्हें मकान घर भी बनाना, क्योंकि बच्चे उन्दे परिवार कितने रहेगा। फिर जे गृहस्थी होना है उन्हें बच्चों नूं पालना भी, उन्हां दी पढ़ाई का भी फिक्र है, कर्म करेगा। जो कुछ भी कर रहा है तो वह कर रहा है गृहस्थी होने के नाते। जाओ गृही, जाओ ग्रह धर्म कर। तो जो कुछ कर रहा है उनके नाल धर्म जुड़िया होया। हुण इत्थे बाबा कबीर जी दे उस श्लोक दे नाल आपां गुरु अमरदास पातशाह जी दे इस श्लोक की, क्योंकि समाप्ति होने वाली, मैं उस लाइन नूं संबोधन करा। क्यों कह दिता? पहला आख्या ये शरीरा मेरिया इस जग में आए कि क्या तू कर्म कमाया। शरीर तेन मिलिया ही कर्म लई, इसलिए कह दिता जीव पाए तन साजिया रखिया बणत बनाए। ते की कीता कि इंदे च कर्म तो भर दिते। ओए अखी देखे जेबा बोले कन्नी सुरत समाए पैरी चले हथी करना दिता। सारे अंग कुछ करी जांदे ने, अखां देखदियां ने उन्हां दा कर्म है, कन्न सुनदे ने उन्हां दा कर्म है, पैर चलदे ने उन्हां दा कर्म है, जेबा बोली बोलदी है उनका कर्म है, हर एक अंग दा कर्म है। अखी देखे जेबा बोले कन्नी सुरत समाए पैरी चले हाथी करना दिता पहने खाए। हुण मसला यह है भी गुरु की लोड़ क्यों कह बाब गुरु अमरदास साहब ने अखीरली लाइन में क्यों कह दिता? कह नानक ये शरीर प्रवान होवा जिन सतगुर सोचित। कारण क्योंकि कर्म तो शरीर में सी, धर्म नहीं सी। धर्म जिहड़ा है वह गुरु को मिलना है। इसलिए गुरु ने आख दिता मैं बद्दी सच धर्मसाल है, गुरु कोल धर्म है। अखां नूं देखना सिखांदा है, नेत्रो मेरे हो हर तुम जो धरी हर बिन वरना देखो कोई है। हे जेबे तू राम गुण गाओ, ये रसना तू अंदर सराच रही तेरी प्यास ना जाए। गुरु सिखा रहे क्योंकि धर्म उनके कोल है, वो अखां नूं धर्म दे रहा है, वो जबान दे कर्म नूं धर्म दे रहा है, वो कन्नां दे कर्म सुनन नूं धर्म दे रहा है। ते कहिंदा है सर्व नूं मेरे हो सच सुनने नूं पठाए। क्या सुना वो क्या कूड़ झूठ क्यों सुनते हो? ये सारिया गल्लां धर्म गुरु सिखा रहा है, क्योंकि हर एक कर्म कर्म नहीं रहिंदा जे वो नाल धर्म ना जुड़े। इसलिए गुरु ने बाणी विच कह दिता ये शरीर सब धर्म है। जिथे कर्म है ना उथे शरीर को धर्म की भी लोड़ है। ते बाबा कबीर जी ने आखिरी श्लोक में एक गल क्यों आख दी, जो ग्रह धर्म कर। वेखी कितने अखा तो तेन मिल गई, कर्म तो मिल गया, मत धर्म ना करें। गृही होने के नाते तेन पता हो देखना है की नहीं देखना।
ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਲਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਜਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਦ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ, ਪੈ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਾਣੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰਿਆ। ਆਪ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਤਬਲੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ ਹੈ। ਜੇਬਾ ਬਚਨ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੇਬਾ ਬਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੇ ਤਬਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ, ਨੈਨੂੰ ਨੀਰ ਅਸਾਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਬਾ ਬਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੇ ਤਬਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ। ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਮ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੰਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਓ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਸ ਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਸ ਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾ ਸਰੀਰ
बाबा कबीर जी दे उस आखरी मैसेज नू नाल ले लेके कुछ समा तुर के विचारी इंदे दुआले की है, दुआले की है। क्यों बाबा कबीर जी ने आख्या जो ग्रह ता धर्म कर, धर्म कर गिरही ले धर्म दी गल विशेष आखी, ते जे धर्म नहीं कर सकदा नहीं तो कर वैराग। इंदा मतलब असीं वैरागी नूं धर्मी समझी बैठे हैं। चलो आने वाले समय अंदर आपां भी सारा कुछ विचारना, अज साडा भुलेखा की है, अज असीं कित्थे खड़े हाँ, असीं अपने जीवन नूं किस मोड़ ते लिया के खड़ा, अज संसार दा दुखांत की है। ये सारा कुछ सानूं इसे रोशनी विचों मिल जाना है। गुरु बख्शिश करे सानू विचारन दा उद्दम ते मत देवे। इना शब्दां नाल खिमांदा जा चुका, फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।